साहब हम बहुत गरीब हैं, हमारा पैसा दिलवा दीजिए ना। बहुत मेहनत से खेत बेचकर बेटी के ब्याह के लिए पैसा रखे थे। नमस्कार, मेरा नाम आयाज है और आप गोपालगंज दर्शन देख रहे हैं। गोपालगंज में एक ऐसा कारनामा हुआ है जिसमें सैकड़ों लोग अब तबाह हो गए हैं। एक बार फिर गोपालगंज के एसपी से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। हालांकि एसपी के ट्रांसफर होने के बाद हेडक्वार्टर डीएसपी से मुलाकात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि जल्द आप सभी लोगों के पैसे वापस लौटवाने का प्रयास किया जाएगा और बैंक के जो सीएसपी संचालक है उस पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। क्या कुछ मामला है बताते हैं। दरअसल यादवपुर थाना क्षेत्र के यादवपुर में एक बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी संचालक संचालित हो रहा था, जिसमें सैकड़ों लोगों से उन्हें पेंशन देने के नाम पर उनके खाते में रखे गए रुपए को निकाल लिया गया है। उस मामले में गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने संज्ञान लिया था और तुरंत उस पर एफआईआर कर उसके अकाउंट को भी सीज करा दिया गया, लेकिन अब तक उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जो पीड़ित आज फिर गोपालगंज के एसपी से मिलने पहुँच गए और कहा कि साहब हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोगों ने किसी तरह से पैसे को इकट्ठा कर बेटी के ब्याह और अन्य कार्यों के लिए रखा था, लेकिन वो सारे पैसे फ्रॉड के द्वारा निकाल लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। ये भल बा जे पैसा जमा भल बा सरपंच साहब के गेट में मुखिया जी के 2 लाख रुपया लेकर भागल बने हमारा सास पे जमा कैले रही है। निम्न वर्ग खातिर कोई पैसा ना धरेला, गाँव चेक करा पैसा तो 1 रुपया नहीं खे, जादूपुर जाकर चेक करौले बन 1 रुपया नहीं खे, 2 लाख रुपया लेकर यहाँ के भागल बने, हमारे 5,000 लेकर भागल बने। कहाँ जमा करे? सरपंच साहब के गेट में मुखिया जी के जादवपुर दुखर सीएसपी में। हाँ, बड़ौदा बैंक में सीएसपी वाला भाग गया। हाँ, लेकर भागल बारे। तो आप लोग केस नहीं किए हैं? भाई बाबे अब कुछ का सुनाई होता नहीं क्या? क्या कह रही है पुलिस? अब तो यह कर दे धो पकड़ हो या कोई का पता नहीं है जे कान में रखा हो का ना, तो कोई आदमी मर रहा जो पैसा का टेंशन में है आ कोई देत नहीं खन, तो कुछ का हो ना का मिलेगा चाहे ना का रास्ता। कितना रुपया आपका लेकर भाग रहे हैं? 2 लाख। 2 लाख हमारा सास के बा, 5,000 हमारे बा। क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। हमारा खाता पर 2 लाख रहा, हमारा लड़की के खाता पर 1 लाख रहा, हमारा ससुर जी पर 23,000 रहा, पूरा पैसा निकाल ले बड़ा। कौन निकाल लिया? रवि शर्मा। सीएसपी वाला जी, मुखिया जी के गेट में रहा, खाता खुलल नहीं कहीं रहा। हाँ, भागल बा। पुलिस में शिकायत की है ना? हम तो केस किए हैं, तो वो तो पकड़ते नहीं है, वो धरते नहीं है। अगर पकड़ेंगे धरेंगे तब ना हमारा पैसा मिलेगा। हम सब गरीब है, मजदूरी के धरे हैं। पुलिस अभी उनको नहीं पकड़ पाई? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। हमारा मंजू देव जमीन बेच कर के धरले रही है, शादी करे खातिर घर बनाने खातिर 2 गो घर गिर गई बा, गनी पैसा ले आवे निकाल ले निकाल, 400 पेंशन दे के सारा पैसा ट्रांसफर कर ले बड़े साल भर में। हम उखड़िए गिरल बनी पैसा खातिर भागल फिर तरह उनका घर पर गए रही, तो टांग टूंग दुआरे बाहर कर देवे लोग। थाना में गए तो दरोगा जी कहा था नहीं, हटाओ हटाओ जाओ अपने ध के ले आके हमारे हाथ में देव पकड़ के तब हम बांधेगा, ना तो हम नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? दरोगा जी। हमार उमा कुंवर नाम है। कितना रुपया आपका लिया? हमार 3,70,000। कौन लिया, कहाँ जमा किए थे? ओ जाए दी में मुखिया जी के गेट में जमा करते हैं हम, देखो ले बनी है पर्ची दे दे बड़ा। बैंक में जमा की? सीएसपी में। हाँ, बड़ौदा में सीएसपी में ना। हाँ, हमारे पंचायत में बैंक ऑफ बड़ौदा का एक सीएसपी चलता था, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ का वो गमन कर लिया है, लोगों खाते में से पैसा वो निकासी कर लिया है, जिसके लिए हम लोग एसपी साहब को पूर्व में आवेदन दिए थे और आज भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके लिए फिर आज हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे, लेकिन एसपी साहब का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन अभी तो समय उनसे बात हुआ, बोले कि हाँ कार्रवाई होगा। एफआईआर हुआ है? जी हुआ है, एक आदमी का नाम से हुआ है, एफआईआर हुआ है, लेकिन बड़ा बाबू उसमें थोड़ा मदद कर रहे हैं उन लोगों का, आरोपियों का मदद कर रहे हैं, दबाव दिया जा रहा है कि आप जो और नामजद हैं लोगों का नाम हटा दीजिए, सिर्फ एक ही नाम, लेकिन सभी आदमी उसमें नामजद जो भी आदमी है वो सभी भागीदारी हैं उसमें। हमारा अनिल राम नाम है, मैं वर्तमान सरपंच पति हूँ जादूपुर दुखन पंचायत के। हालांकि जनता दरबार में
पहुंचे सभी लोगों की फरियादों को गोपालगंज के हेडक्वार्टर डीएसपी ने सुना है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। मामला दर्ज कर लिया गया है। क्या कुछ हेडक्वार्टर डीएसपी कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। फरियादियों की बात सुनकर संबंधित थाना को निर्देश दे दिया जा रहा है कि उन पर कार्रवाई किया जाए और फरियादियों का जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए। सर, कुछ ऐसे भी लोग आए जिन जो आरोप लगा के सीएसपी के द्वारा पैसा निकासी करके पकड़ लिया गया, हालांकि एफआईआर हुई है और पुलिस जादूपुर कार्रवाई नहीं कर रही। हाँ, तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका जांच किया जाएगा और जांच करने के बाद जो भी उचित निर्णय होगा वो किया जाएगा। तो आपने हेडक्वार्टर डीएसपी को भी सुन लिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द इस पर संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि उस आरोपी को गिरफ्तार करते हुए इनके पैसे भी लौटवाए जाएं। खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अत्याधुनिक बिल्डिंग सिस्टम जहाँ पर मिलता है UPVC डोर एंड विंडो, स्लिम सिस्टम एल्युमिनियम, मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब, स्मार्ट क्लासेस रूम एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ग्लास रेलिंग, आर्टिफिशियल ग्रास एंड फ्लावर्स, PVC पैनल, WPC, लोअर्स एंड डेकोरेटिव सीट, कॉरपोरेट ऑफिस, स्कूल एंड हॉस्पिटल फर्नीचर, वुडन PVC कारपेट एंड 3D फ्लोरिंग, काफ किचन एप्रियंस, फैब्रिक ग्लास और स्ट्रेच सेलिंग। अगर आपको ये सब लेना हो तो जाना होगा गोपालगंज के जंगलिया मोड़ के पास रेमंड शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ये सभी मटेरियल उचित दामों में उपलब्ध है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।